हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह, आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है शुड विजाउट हिट मम्मी, जो कि विस्टेस बुक का फिफ्थ लेसन है और जिसको लिखा है जॉन अपडाइक ने, आज हम लोग इस लेसन के सेकेंड पार्ट को स्टडी करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज हम लोग जो शेष लेसन बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ द लेसन है, उसको कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट लेसन जो है यहाँ से स्टार्ट है, आइए हम लोग लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है जो आज स्टार्टिंग टू फर्स विथ हर हैंड्स, कह रहा है जो थी, कह रहा है कि स्टार्टिंग टू फर्स विथ हर हैंड। फर्स विथ हर हैंड का मतलब वो अपने हाथों को मटकाने लगती है, मतलब वो अपने हाथों से खेलने लगती है। एंड लुक आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर देखती है। एट द क्रैक ऑफ डे, क्रैक ऑफ डे का मतलब ये क्रैक ऑफ डे है, क्रैक ऑफ डे का मतलब होता है दिन की रोशनी। तो उसमें कहता है कि एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड, क्रैक जो दिन की रोशनी थी, शोड दिखाई दे रही थी अंडर द सेट, उस पर्दे के नीचे से। सी थॉट, उसने सोचा, द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, कि स्टोरी जो है समाप्त हो गई। सोचा कि स्टोरी समाप्त हो गई, इसलिए वो अपने हाथों से खेलने लगती है और खिड़की से बाहर देखती है, क्योंकि उसके पहले जितनी भी कहानियाँ उसके फादर जैक जो था, जो सुनाया करता था, वह कहानी उतनी ही होती थी, इसकी लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती थी। तो वह सोचती है कि नहीं, कहानी ख़त्म हो गई, इसलिए वहाँ पर अपने हाथों से खेलने लगती है। जैक डिड नॉट लाइक वोमेन, कह रहा है जैक को ऐसे औरतें पसंद नहीं हैं, व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। टुक फॉर ग्रांटेड का मतलब, ये टुक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है मानकर चलना, ठीक है, किसी चीज़ को मानकर चलना। तो वही कह रहा है कि जो जैक कह रहा है, जैक डिड नॉट लाइक वुमेन, जैक को ऐसी औरतें पसंद नहीं है, व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जो वो किसी चीज़ को मान के चलती हैं, क्योंकि उसने पहले ही मान लिया कि नहीं, स्टोरी ख़त्म होगी। तो कह रहा है वहीं उसे ऐसी औरतें पसंद नहीं है। ही लाइक्ड देम अप्रहेंसिव, वो चाहता है कि वो अप्रहेंसिव हो। अप्रहेंसिव मतलब समझदार होता है। वो चाहता है कि औरतें जो है समझदार बने। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड, कह रहा है कि उसके शब्दों पर अटकी रहें। इसका क्या कहने का मतलब है कि वह जो है कहानी कहने वाली की शब्दों पर ध्यान दे, अर्थात उसका कहने का मतलब ये है कि वे उसकी प्रतीक्षा करें, उसके शब्दों का इंतजार करें कि अब आगे क्या कहने वाले, मानकर न चले। नेक्स्ट है, नाउ जो, आर यू लिसनिंग, अब जैक कर रहा है कि जो, आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रही हो, क्योंकि वो तो सोच रही थी कहानी खत्म हो गई। तो जो कर रहा है, आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रही हो। यस, उसने कहा कि यस, हाँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है। रोजर स्कंक्स मॉम सेड, अब वह कहानी को आगे कंटिन्यू करता है। अब कहता है कि रोजर स्कंक्स मम्मी सेड, रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, उसने कहा कि ये जो है ऑफुल मतलब भद्दी, उसने कहा कि ये भद्दी स्मेल कैसी है, या ये भयानक गंध कैसी है। ऑफुल का मतलब भयानक भी होता है। अब देखिए, जो जादूगर था, उसने उसका जो स्मेल थी वो रोज का कर दिया था, गुलाब का स्मेल कर दिया था। अब सबको तो अच्छी लग रही थी, लेकिन जो रोजेश खान की माँ थी, उसे उसकी जो ओरिजिनल जो स्मेल थी, उसे वही अच्छी लग रही थी। अब उसे ये जो है, जो रोज़ की स्मेल है, उसे बहुत ख़राब लग रही है, बहुत भयानक लग रही है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रकृति ने जो है जिसको जो चीज़ें दी हैं, जो क्वालिटीज़ दी हैं, वो उसके लिए वही अच्छी होती है। तो वही करें, तो उसी माँ करें कि ये भयानक स्मेल क्या है, व्हाट एट, उसने कहा कि क्या है। एंड रोजर्स कंग सेड, और रोजर्स कंग ने कहा, इट्स मी मम्मी, उसने कहा कि मम्मी ये मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेस, करें मैं रोज की तरह महक रहा हूँ। एंड से सेड, उसने कहा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, उसने कहा कि किसने जो है तुम्हें मतलब तुम्हारे अंदर किसने ऐसी महक पैदा की, या किसकी वजह से तुम ऐसा महक रहे हो। एंड ही सेड, उसने कहा कि विजार्ड, मतलब उसने कारण बताया कि विजार्ड ने मेरी जो है ये मेरी स्मेल चेंज कर दी,
और मैं जो है एक रोज़ की तरह स्मेल कर रहा हूँ। एंड सी सेड, उसने कहा, वेल ऑफ ऑल द नर्व, वेल ऑफ ऑल द नर्व मतलब पूरे उत्तेजना में, उसने जो है पूरी उत्तेजना में कहा, यू कम विथ मी, तुम मेरे साथ आओ, एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, जाके हम लोग वापस जो है उस भयानक जादूगर के पास चल रहे हैं। जो सेटअप ये सुनते जो है उठकर बैठ गई, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर, उसके हाथ हवा में लहराने लगे, विद जेन्युइन फ्राइट, करे कि भय के कारण, करे एक वास्तविक जेन्युइन फ्राइट, एक वास्तविक भय के कारण जो है उसके हाथ हवा में लहराने लगे, क्योंकि जो भी नहीं चाहती थी कि नहीं उसकी उस जो गंदी स्मेल है उसकी वापस आए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है उसी के अनुसार सोचते हैं कि कहानी जो है ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो कहती कि बट डैडी, देन ही सेड, तो उसने कहा कि डैडी अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, इसमें कह रहा है बट डैडी, देन ही सेड, तो उसने कहा अबाउट द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, कि जो दूसरे छोटे जानवर हैं वो भाग जाते हैं, हर हैंड स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, इसमें कह रहा कि हर हैंड उसके जो हाथ थे स्किटर्ड ऑफ, वो दौड़ते चले गए इनटू द अंडरब्रश, झाड़ में जंगल में जो झाड़ होती है, उसका कहने का मतलब ये है कि उसके हाथ जो है कल्पना में हिलने लगे। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट मोमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, जो रोजेस कंक है वो कह रहा है कि लेकिन मम्मी जो दूसरे छोटे जानवर हैं वो भाग जाते हैं। एंड सी सेड, उसने कहा कि आई डोंट केयर, उसकी मम्मी ने कहा नहीं आई डोंट केयर, मुझे इसकी परवाह नहीं, यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, उसने कहा कि यू स्मेल द वे, तुम उस तरह महक रहे थे, अ लिटिल स्कंक शुड हैव, जिस प्रकार एक छोटे स्कंक को महकना चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और मैं तुम्हें वापस जो है उस जादूगर के पास ले जा रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, और उसने एक अम्ब्रेला लिया, एंड वेंट बैक विथ रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक के साथ जो है वो वापस चल देती है, एंड हीट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और उस विजार्ड को अपनी अम्ब्रेला से उसे सर पे हीट करती है, सर पे मारती है। अब इस पर क्या होता है कि अब जो है वो जो है वो इस कहानी से संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि अब वो क्या करती है, आगे करी नो, जो से जो ने जोर से कहा कि नो, नहीं, एंड पुट हर हैंड आउट टू टच स्लिप्स, और वह जो है अपने उनके मतलब अपने फादर के होठों को स्पर्श करने के लिए जो है अपना हाथ रखती है, मतलब वह उसको चुप कराना चाहती, नहीं अब आके आप ऐसी कहानी मत कहिए। एट इवन इन हर एजिटेशन, कह रहा है कि फिर भी अपनी उत्तेजना में डिड नॉट क्वाइट डेयर, उसे बिल्कुल साहस नहीं होता है कि टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि वह उस सत्य के स्रोत को रोक सके, कह रहा है फिर वह उत्तेजना में थी लेकिन फिर भी उसको साहस नहीं हुआ कि वो अपने पिता को चुप करा सके। इंस्पिरेशन केम टू हर, इंस्पिरेशन प्रेरणा, तो कह रहा है कि इंस्पिरेशन केम टू, उसके अंदर प्रेरणा आई, प्रेरणा उत्पन्न हुई, अब वो कह रही है, अब उस कहानी को अपने ढंग से वो करे कि नहीं ऐसे होना चाहिए, उसने कहा कि देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, तब विजार्ड जो है उसके सर पे हिट करता है, उसके सर पे मारता है, एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और वो उस छोटे स्कंक को चेंज नहीं करता, ये कौन करता है, जो करती है, करी नहीं, उसने कहा कि नहीं, अब जो विजार्ड है वह जो है मम्मी को हिट करता है, और जो छोटा स्कंक है रोज स्कंक है उसको स्मेल को चेंज नहीं करता, वह सोचती थी कहानी जो है इस तरह हो। नो ही सेड, उसने कहा कि नहीं, किसने कहा, फादर ने कहा कि नहीं, द विजार्ड सेड, विजार्ड ने कहा कि ओके, एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर, उसने कहा कि अब रोजर स्कंक जो है अब उसमें से रोज की स्मेल नहीं आएगी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, अब वह फिर से जो है बहुत बुरा गंध देने लगा, बहुत बुरा महकने लगा, अब जो है उसने फिर से उसकी पुरानी गंध को वापस कर दिया। बट द अदर लिटी ओम ओम ओम, अब ये जो है बेचारी इतना निराश होती है कहानी से, इतना असंतुष्ट हुई, पूरा स्पष्ट रूप से बोल नहीं गाती, करे बट द अदर, लेकिन दूसरे छोटे आम ओ आम, यह स्पष्ट आवाज़ वो बोलती है। जॉनी
उसका पूरा जो का पूरा नाम जॉनी है, इट्स डैडी स्टोरी। अब उसके डैडी, कह रहे हैं कि जॉनी ये डैडी की कहानी है। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी, कह रही क्या डैडी तुम्हें कहानी ना सुनाए। हर ब्रॉड फेस, उसका चौड़ा चेहरा जो था, लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट, कह रहा है कि उसका जो चौड़ा चेहरा था, कह रहा है लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा थ्रू सिफ्टेड लाइट, लाइट में छन कर आते ही, छन के आते ही प्रकाश से। और उसके बाद स्टोन का मतलब होता है चकित होकर। इसमें कह रहा है हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट, का मतलब छन कर आता हुआ प्रकाश, जो पर्दे लगे थे उससे जो छन का प्रकाश आ रहा था, तो उसका जो चौड़ा चेहरा था उसकी तरफ देखा उस छन कर आते हुए प्रकाश से होकर के, एस्टोंडेड मतलब चकित होकर के। दिस इज वॉट हैपेंड, उसने कहा कि यही हुआ, देन रोजर, तब रोजर स्कंक जो है एंड हिज मम्मी, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी जो है वेंट होम, वो घर चले गए। एंड दे हर्ड ऊ एंड इट वॉज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। अब तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती किसी ऊ चू चू की, और एक किसी आवाज़ थी, उस ट्रेन की आवाज़ थी, कह रहा है जो ब्रिंगिंग डैडी, जो उसके डैडी को वापस ला रही थी होम फ्रॉम बोस्टन, कह रहा है कि जो उसके डैडी स्कंक को बोस्टन से वापस ला रही थी, जब वो घर गए तो उन्हें वो आवाज़ सुनाई दी। एंड दे हैड लीमा बीन्स सेलरी लीवर मास्ट पोटैटोस एंड पायो माइफ व डिजर्ट, ये जो है डिजर्ट वगैरह की मिठाई होती है, करे कि उन्होंने ये सब जो है ये जितने हैं लीमा बीन्स सेलरी ये लीवर स्मैश पोटैटोस पायो माइफ व डिजर्ट, ये सभी चीज़ जो है ये सब डिशेस हैं, मतलब व्यंजन है। उसमें ये जो है पाई ओ माई डिजर्ट, ये क्या है, एक मिठाई है, ठीक है। और ये मास्ट पोटैटो मतलब आलू की टिक्की। इसके बाद कि एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, और जब रोजर स्कंक बेड पर था, मॉमी स्कंक केम, तो जो मॉमी स्कंक थी केम अप, वो आई एंड हग्ड हिम, और उसे गले से लगा लिया। हग का मतलब होता है गले से लगाना। एंड सेड, और उसने कहा कि ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, कि वह फिर से जो है उसके बेबी स्कंक की तरह महकने लगा। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और वह उससे अत्यधिक प्रेम करती है, रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और इस प्रकार यह कहानी, इस कहानी का एंड हो गया। बट डैडी, लेकिन डैडी, व्हाट, वो कहती लेकिन डैडी, दूसरे डैडी कहते व्हाट, क्या। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, फिर कहते क्या दूसरे छोटे जानवर भाग गए। नो, दूसरी डैडी क्या, नहीं, बिकॉज एवेंचुअली, क्योंकि अंततः जो है दे गॉट यूज टू द वे, वह उसका आदि हो गए कि वह जैसा वह था। एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल, और अब वह बुरा नहीं मानते थे। दूसरी डैडी क्या, नहीं, अब जो उसके फ्रेंड्स थे अब उसके आदि हो गए थे, अब वो बुरा नहीं मानते थे। अब देखिए यहाँ पर जो डैडी ये सब बोलते हैं इवेंचुअली, अंततः जो है, तो अब ये बच्ची है उसको ये कहने नहीं आ रहा है, तो उसी बात को दोहराती है, कह रहे व्हाट्स एवेंचुअल आईडी। अब ये एवेंचुअली को जो है ये एवेंचुअल आईडी बोलती है, मतलब अपनी भाषा में उसको पूरा बोलने नहीं आता, प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रही सही ढंग से। तो आगे है, कह रहे व्हाट्स एवेंचुअल आईडी, मतलब उसने कहा ये क्या है, तो उसके डैडी ने कहा कि इन ए लिटिल वाइल, उसने उसका अर्थ समझाया, इसका मतलब कि थोड़ी देर में, ठीक है, अंततः या थोड़ी देर में वह जो है, थोड़ी देर में वह जो अदर्स एनिमल थे वह जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसकी महक को, उसके आदि हो जाते हैं। दैट्स वॉज अ स्टूपिड मम्मी, अब जो कहती नहीं, वो एक स्टूपिड मम्मी थी, एक मूर्ख, एक बेवकूफ़ मम्मी थी, क्योंकि वह अब भी कहानी से पूरी सेटिस्फाई नहीं है, उसके अनुसार उसकी स्मेल को चेंज नहीं करना चाहिए था। इट वॉज नॉट, ये ऐसा नहीं है, उसके डैडी ने कहा, ही सेड, उसने कहा विथ रेयर इम्फेसाइज, कह रहा है कि अत्यधिक जोर देकर, उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। एंड बिलीव्ड, और वो विश्वास करता था फ्रॉम हर, एंड बिलीव्ड, और उसने विश्वास किया फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन से, दैट सी रियलाइज्ड, कि उसने महसूस किया ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टूअर, कि वह जो है अपनी माँ का डिफेंड कर रही है। अभी समझाने से पहले मैं इसको बता दूं थोड़ी और बातें उसके बारे में। देखिए जो
डैडी जैक था वो ये सोचता है नहीं, जो मदर और फादर होते हैं वो जो निर्णय लेते हैं वो सही होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, वो अपनी माँ, राइटर जो जैक है वो अपनी माँ को डिफेंड कर रहा है, अपनी माँ का बचाव कर रहा है, क्योंकि बचपन में वो अभी जो है ह्यूमिलेशन का शिकार हुआ था, उसको भी अपमान सहना पड़ा था अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो उसकी माँ आती है ऐसे समय उसको समझाती है, वह जो है उसे संभालती है। तब वहाँ पर वह जो जब वो कहती नहीं वो बेवकूफ़ मम्मी थी, तो वो अपनी मम्मी पर ऐसी बात लेता है और उसको जो है डिफेंड करता है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। फिर से मैं बता दूँ इसको, जो ने कहा कि दैट्स वॉज स्टूपिड मम्मी, वह एक स्टूपिड मम्मी थी, इट वॉज नॉट, तो जय कहता नहीं ऐसा नहीं है, ही सेड विथ रेयर एम्फेसाइज, वह जो है उसने कहा रेयर एम्फेसाइज मतलब अत्यधिक जोर देकर के, एंड बिलीव्ड, और उसने जो है विश्वास किया, किसने, जैक ने, फ्रॉम हर एक्सप्रेस, उसके भाव, उसके अभिव्यक्ति से, उसके भाव से, उसके चेहरे के भाव से उसने विश्वास किया, दैट की सी रियलाइज कि वह जान गई है कि ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर, कि वह अपनी माँ को डिफेंड करा है, अपनी माँ का बचा करा है टू हर उसके सामने, आर समथिंग एज ओड, या ऐसी कोई विचित्र बात है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन इन द पिलो, उसके फादर जैक कह रहे हैं कि नाउ जो है कह रहे हैं अब आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ पुट योर बिग हैवी हेड, तो अपने इस बड़े भारी सिर को रख लो इन द पिलो, तकिए, तकिए पे रख लो, एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, एक और एक अच्छी और लंबी नैप लो, मतलब एक अच्छी और लंबी नींद लो या झपकी लो। ही एडजस्टेड द सेट, उन्होंने उस पर्दे को सही एडजस्ट किया, सही किया, सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड, कि ताकि दिन की रोशनी दिखाई न दे, ताकि जरा भी दिन की रोशनी दिखाई न दे, एंड टिप टोड टू द डोर, टिप टोड का मतलब चुपके से जाना उंगलियों के बल, जब धीरे से लोग चलते ताकि आवाज़ सुनाई न दे, और वह जो है चुपके से दीवार की तरफ चल दी, इन द प्रेटेंस, ये बहाना करते हुए कि दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लिप, कि वह सो गई, मतलब ये मानते हो कि नहीं वह धीरे से चुपके से चल दिए कि नहीं ये सो गई, ऐसा मानते हैं। बट वेन ही टर्न, लेकिन जब वह मुड़े कुछ दूर आगे जाकर के, जब उन्होंने पीछे देखा, शी वॉज क्रचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टार्टिंग एट हिम, क्रचिंग होता था सिकुड़ना, ठीक है, शी वॉज क्रचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, वह उस जो कवर था, जो चादर थी, उसके ऊपर जो है वह सिकुड़ कर बैठी हुई थी, एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उन्हें घूर रही थी, एकटक देख रही थी, हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लिप, उसके फादर कहते हे गेट अंडर द कवर, चादर के अंदर जाओ एंड फॉल फास्ट अस्लिप, अब जल्दी से सो जाओ, बॉब स्लिप, उसने कहा कि बेबी जो है सो चुका है, क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा भी था 2 साल का, तो कह रहा है कि वो सो चुका है। सी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई, एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, जिंजरली का मतलब होता है सावधानी से, यहाँ पर जिंजरली का मतलब है सावधानी से, तो उसमें कह रहा है कि सी स्टूड अप, वो खड़ी होगी, एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग, और स्प्रिंग्स पे होशियारी से वो उछली। डैडी फिर कहती डैडी वॉट, तो उसे डैडी कहते वॉट क्या, कहते टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट द विजार्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मम्मी, उसे कहता है कि मम्मी कह रहा है कि टुमारो जो है आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ कि यू टेल मी द स्टोरी, आप मुझे ये स्टोरी बताएं कि दैट विजार्ड, वो जो जादूगर था, टुक दैट मैजिक वॉन्ड, वह जो है उस जादुई छड़ी को लेता है एंड हिट दैट मम्मी, और उसकी मम्मी को हिट करता है, उसकी मम्मी को मारता है, हर प्लम्स ओम चॉप्ड फोर्सफुली, तो उसमें कह रहा है कि हर प्लम्स मतलब मांसल या मोटा, ओम सिम भुजाएं, उसका जो मोटी भुजाएं थी या मोटा हाथ था, चॉप्ड फोर्सफुली, कह रहा है कि वह जो है तेजी से घूमा, मतलब वो अभिनय करते हुए बता रही है कि आपको कल स्टोरी बता रही है कि वो लेता है उसको मारता है, ठीक है, अभिनय करते हुए बताती है, उसका हाथ जो मोटा हाथ था वो तेज से वह घूमता है, राइट ओवर द हेड, कह रहा है ठीक सिर के ऊपर उसका हाथ घूमता है, नो, तो उसके डैडी कहते नो दैट्स नॉट द स्टोरी, ये कहानी नहीं है, द पॉइंट इज दैट, बात यह है कि द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, इसमें कह रहा है
कि नो नहीं दैट्स नॉट द शो, ये कहानी नहीं है, द पॉइंट इज दैट, बात ये है कि द लिटिल स्कंक, जो छोटा स्कंक था, लव्ड हिज मम्मी, अपनी मम्मी से प्रेम करता था मोर देन किसी भी चीज, मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, जितना वह दूसरे जानवर से करता था उसकी उसकी अपेक्षा वह जो है वह कहीं ज़्यादा अपनी मम्मी से प्रेम करता था। एंड शी न्यू व्हाट वाज सेड, और उसकी मम्मी जानती थी कि क्या सही है। फिक्र है कि नो नहीं, तुम्हारे यूज से कल आप कहेंगे कि ही हेट दैट मम्मी, कि वह जो उसकी उस मम्मी को मारता है, डू इट, ऐसा ही कहिए। सी किक्ड हर लेग्स अप, वो अपने पैर को लात मार के ऊपर उठाती है, एंड सेट डाउन ऑन द बैट, और फिर बैट पे बैठ जाती है विथ ए ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स। यहाँ पर हीव है, हीव का मतलब जोर से जो लाकर, वह जो ला जोर से वो बैठ जाती है बेट पर, एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग, कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चों जैसी जिद, ठीक है, मतलब बच्चों जैसी जिद करती है। मैं फिर से इसको बता दूँ, वो करे कि नो नहीं, टुमारो यू से, कल आप कहेंगे कि ही हीट दैट मम्मी, कि वह उस मम्मी को मारता है, डू इट, ऐसा ही कहना। सी किक्ड हर लेग अप, वह जो है अपने लात मारते हुए पैर को ऊपर उठाती है, एंड सेट डाउन ऑन द बेड, और बिस्तर पे बैठ जाती है विद ए ग्रेट हीव, करे कि मतलब बहुत जोरदार तरीके से, एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और वह बच्चों जैसी जिद करती है, कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चों जैसी जिद। As she had done hundreds of times before, जैसा कि वह ऐसा सैकड़ों बार पहले कर चुकी थी, except that this time, लेकिन इस बार जो है she did not laugh, वह हंसती रही है, वैसा पहले कई बार कर चुकी थी लेकिन इस बार वह हंसती रही है। से डैड, उसने कहा कि डैडी आप ऐसा ही कहिएगा, well, 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 we shall see, उसके डैडी कह रहे हाँ we shall see, हम देखेंगे। Now at least have a rest, उसने कहा कि आप जो है आराम करो, स्टे ऑन द बेड, बेड पे रहो, यू आर गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाजे को बंद कर लिया, एंड वेंट डाउन स्टे, और सीढ़ियों से नीचे चल दिया। क्लेयर कह रहे कि क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, क्लेयर ने न्यूज़पेपर को फैलाया हुआ था, एंड ओपन द पेंट कैन, और पेंट के कैन को मतलब डिब्बे को खोली थी, एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट, और वह एक पुराना शर्ट पहनी हुई थी, ऑफिस करे वो उसका एक पुराना शर्ट पहनी हुई थी, ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक, करा है कि अपने मैटरनिटी स्मोक के ऊपर, मैटरनिटी स्मोक किसको बोलते हैं, जब प्रेगनेंसी के समय जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो एक 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 बहुत ढीला ढाला पोशाक होता है, पूरा ऊपर से लेकर जहाँ पेट के जहाँ पेट होता है वहाँ पर थोड़ा उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, पूरे पैर तक नीचे तक होता है, तो वह जो है उसे क्या कहते हैं, एक मैटरनिटी स्मोक था, मतलब एक प्रेगनेंसी के समय पहने जाने का कपड़ा था, उसके ऊपर जो है वह जैक के सेट को पहने हुई थी। कह रहा है कि वह स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विथ ए डिप्ड ब्रश, और वह क्या कर रही थी कि जो चेयर की रेल थी, जो जो चेयर का डंडा था उसको स्ट्रोकिंग विथ एक डिप्ड ब्रश, मतलब एक पेंट में डूबे हुए ब्रश से वो उसको ऊपर उस पर जो है वो ब्रश कर रही थी, पेंट कर रही थी। एबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड, उसके ऊपर जो है फुट स्टेप मतलब कदमों की वाइब्रेटेड, हलचल की आवाज़ आती है, मतलब कदमों की आवाज़ आती है, कहने का मतलब है। एंड ही कॉल्ड, और वो चिल और वो बुलाया, जॉनी शैल आई कम अप देयर, उसने कहा जॉनी क्या मैं ऊपर आऊँ, एंड स्पैंक यू, और तुम्हें थप्पड़ लगाऊँ। द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, तब जो है जो फुट स्टेप था, कदमों की आवाज़ थी, वो हेजिटेटेड मतलब रुक गई, चूँकि हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना होता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप होगा, तो वही कह रहा है द फुट स्टेप हेजिटेटेड, जो कदमों की आवाज़ आ रही थी वो रुक गई। अब देखिए जब जैक नीचे आता है तो उसकी पत्नी जो है उस पर थोड़ा बैंग करती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और घर की सफाई करनी थी, तो उसे तो वह पहले थोड़ा जल्दी आ जाता तो उसकी हेल्प करता, लेकिन वह लेट आता है तो उस पर बैंग करती है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड, क्लेयर ने कहा कि यह एक लंबी कहानी थी। द पुअर किड, बेचारी बच्ची, ही आंसर, उसने उत्तर दिया। एंड विथ अटर वेयरीनेस, और कहे कि पूर्ण थकावट के साथ, वास्ट इज वाइफ लेबर, वो अपने पत्नी को काम करते हुए देख रहा था। दी वुडवर्क, लकड़ी के सामानों को देख रहा था। अ केज, और एक पिजड़ा था, किसका, आप मोल्डिंग्स, कहे कि पट्टियों का, एंड रेल्स, और छड़ की तरह डंडे,
पट्टियों डंडे से बना हुआ, मतलब छड़, जो छड़ होता है छड़, छड़ से जो बनाया गया होता है पिजड़ा, छड़ों पट्टियों से, उसके संदर्भ में कह रहा है कि एक पिजड़ा था वो किससे था, मोल्डिंग एंड रेल्स, कह रहा है कि मोल्ड पट्टियों से बनाया गया था और रेल से, डंडों मतलब छड़ के डंडों से। एंड बेस पोर्ट्स ऑल अराउंड देम, और उसके चारों तरफ जो है बेस पोर्ट फैले हुए थे, मतलब तख्ते थे आस पास अगल बगल। वॉज हाफ ओल्ड टैन, और ये सर ये चीज़ जो थी वो ओल्ड, हाफ ओल्ड टैन, आधी टैन कलर की, मतलब भूरे रंग की थी, एंड हाफ न्यू आइवरी, और आधी जो थी आइवरी कलर की, अर्थात आइवरी मतलब हाथी जैसे, हाथी के दांत जैसे सफ़ेद, आधी जो भूरे रंग की और आधी सफ़ेद थी। एंड ही फेल्ट, और जो जैक था वो महसूस किया कॉट, अपने को कॉट, अपने को जकड़ा हुआ महसूस किया या बंद महसूस किया, कहाँ, इन एन अगली मिडल पोजिशन, कह रहा है वो अपने को जो है एक अगली, एक भद्दी मिडल पोजिशन, मध्य वाली स्थिति में अपने को पाया हो। अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं एलिबोरेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये कह रहा है ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन, ठीक है, उसने अपने को एक भद्दे मध्य स्थिति में पाया। अब यहाँ पर इसका क्या करने, मतलब आप ये कहना चाह रहा है कि एक तो सही समय पर उसको आकर के अपने वाइफ की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन बस सही समय पर नहीं आया क्योंकि कहानी ने लंबा समय ले लिया, एक तो उधर उसकी पत्नी खुश नहीं हुई, और दूसरा वह जो उसे सुलाने की जो कोशिश कर रहा था, अब जो जो थी अब वह पहले की तरह सोया नहीं करती थी, और बहुत ज़्यादा प्रश्न भी पुटअप किया करती थी, तो उस उधर भी उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है और इधर भी पूरा नहीं होता है, तो इस तो यहाँ पर उसका मतलब यही है कि वह अपने को जो है एक एक अजीब मध्य स्थिति में पाता है। एंड दो, और यद्यपि ही एज वेल, सॉरी, एंड ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विथ हिम, और वैसी परिस्थिति में क्या करता है, उसे महसूस होता है, वह कैसा महसूस होता है, दो ही एज वेल फेल्ट, वह महसूस करता है कि हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विथ हिम, कि उसकी पत्नी जो है उस पिजड़े में, अपने को पिजड़े में जकड़ा हुआ महसूस करता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विथ हर, वह उससे बात नहीं करना चाहता, वर्क विथ उसके साथ काम नहीं करना चाहता, टच उसे स्पर्श नहीं करना चाहता, या नहीं, मतलब वो कुछ भी करना नहीं चाहता, वो इतना थक गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है पूरा लेसन दो पार्ट में कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू।